लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीसीसी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में अपनी जीत के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा में भी अपना जीत का फॉर्मूला निकालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश पार्टी कार्यालय में संसदीय सीट के प्रभारी रामेश्वर निखना ने बैठक ली है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के साथ सभी 29 लोकसभा सीट के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में भोपाल संसदीय सीट के प्रभारी बनाए गए रामेश्वर निखरा ने बैठक ली। इस बैठक में भोपाल जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भोपाल लोकसभा के प्रभारी रामेश्वर निखरा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। हालांकि कांग्रेस की परंपरा के तहत उम्मीदवारी तय करने का फैसला हमेशा की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है। ब्लॉक के मामले में, बूथ के मामले में, सेक्टर के मामले में इस संगठन को मजबूत करने की बात, दूसरा सो लोगों से चर्चा कर करके सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हारे जीते उम्मीदवार, प्रमुख लोग, उन सबसे चर्चा करके फिर फाइनल मतलब है हमको बतलाएं कि क्या यहाँ की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है। लोकसभा के डेट के संबंध में होगी क्योंकि चुनाव आ रहा है, चर्चा क्यों नहीं होगी? देखिए अब जाते हैं मीटिंग में, जाते हैं वहाँ, और जो भी प्रस्ताव होता है आपको बाद में जानकारी देंगे। रायशुमारी ना कहें इसको, चर्चा, गंभीर चर्चा करें। कुल मिलाकर मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और मैदानी तौर पर चुनावी रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।